घर में से खूब सारा जब कूड़ा कबाड़ निकलता है तो जाहिर सी बात है आप उसे जंक में फेंक देते हैं या फिर बेच डालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आप घर बैठे उससे कई सुंदर चीजें बना सकते हैं। फटाफट से रेणुका तरेजा के पास चलते हैं और देखते हैं आज क्या वो बनाने वाली हैं आपके लिए। आप कुछ भी चीज हो, चाहे चाबियां हो, चाहे बॉटल हो, चाहे हैंगर्स हो, कुछ भी चीज हो, आप उसको यूज कर सकते हो और एक सुंदर सी चीज बना सकते हो। एंड इट कैन इवन बिकम अ गिफ्टेबल आइटम। ये देखो, ये इसको आप निकालो, ये आप खाली करेंगे, फिर हम इसको जोड़ते हैं। ग्लू गन लीजिए, ग्लू गन सबसे आसान तरीका है जोड़ने से पहले। जैसे ये थर्मोकोल बॉल्स हैं, आप अगर इसके अंदर आप डालना चाहें तो ये ऐसे, कभी लैंप ऐसे करना हो, गेम बनाना हो, वो भी कर सकते हो, पर ये लैंप में आप पूरा भी भर सकते हो ताकि ये पूरा इसके साथ आप पेंट करोगे फिर भी अंदर से दिखाई देगा। ये जॉइंट है, जॉइंट खुल सकता है। इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम ये न्यूज़पेपर रोल बनाते हैं या मैगजीन्स रोल बनाते हैं, ये भी खुद बनाते हैं। इसका जो सेंटर पोर्शन है ना वो लगाइए, क्योंकि साइड्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। ये लगाने के बाद हम इसको जितना रिक्वायर्ड है कटिंग कर लो, या दूसरा तरीका है काटो नहीं, इसको ऐसे कर लो ताकि ये यहाँ पर भी स्ट्रेंथ आ जाएगी आपकी। चार पीसेस आप बनाएंगे, इसको आप ऐसे हाफ करके इसको आप जोड़ोगे ऐसे करके। सीडी के कवर्स जो हैं उसको हम यूज़ करके इसका छत बनाएंगे ऐसे। इसका छत बन जाएगा, फिर इसके ऊपर हम न्यूज़पेपर रोल से पैटर्न बनाएंगे। तो हमने ऐसे बनाया, सब पैटर्न्स ये बनाया। आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो, जैसे अगर हम यहाँ पे जोड़े तो वो एक छत की तरह हो जाएगा। और इसको भी आप ऐसे अंदर ले जा सकते हो इंस्टेड ऑफ कटिंग। एक कटिंग तो एक तरीका है ही, पर आप इसको अंदर भी ले जाओ तो वो स्ट्रेंथ आ जाती है। और स्ट्रेंथ लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी जॉइंट है, तो आप इधर हर जॉइंट पे आप न्यूज़पेपर रोल्स लगा सकते हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यहाँ पर भी हम ऐसे करके ये रोल्स लगाते हैं तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर कलर करेंगे, ऐसे भी सुंदर लगेगा अगर हम वाइट ही रखना चाहते हैं और इधर से हैंग कर ले, इसमें स्पार्कल्स लगा लो। जैसे ये आप मानेंगे नहीं, जो फॉइल हम यूज़ करते हैं घर में उसको फेंक देते हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉइल को भी नहीं फेंकते। फॉइल के हम छोटे छोटे गोले बनाते हैं या ऐसे बना के सर्कल्स, एक पैटर्न सा बन जाता है। तो ये ग्लिटर आ गया इस पर, और अंदर जब लाइट होएगी तो फिर वो कितना सुंदर लुक देगा। बटन्स कितने बटन्स हमारे घर में निकलते हैं, वो बटन्स भी हम लगा सकते हैं। बटन्स को भी फेंको नहीं, आपकी शर्ट खराब हो जाती है, आप उसको फेंक रहे हो, डस्टर बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप ये लगा सकते हो, उसको रख लीजिए। कलर्स का ये है, अगर आप पेंट ना करें तो डिफरेंट कलर्स लगा लो, नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पेंट करने वाले हो। सफायर के आते हैं ग्लास कलर्स जो स्ट्रांग होते हैं, दूसरे आते हैं पर लेकिन वो जल्दी फेड हो जाते हैं, जो बच्चों के लिए आते हैं। तो सफायर का लेके छोटी बोतलों में डाल के आप ऐसे ग्लास कलर से कलर कर सकते हो। तो जब अंदर लाइट होता है, क्योंकि देन इट लुक्स लाइक अ ग्लास पेंटिंग ऑल्सो। कितना सुंदर लग रहा है ये, और इसमें लाइट्स का इफेक्ट, क्योंकि कैसेट्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट थी तो उसका भी जो है इफेक्ट पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा। तो आपने देखा किस तरीके से घर बैठे आप पुराने सामान से कई नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के और ज्यादा पैसा लगाए। तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए हैं। लेकिन इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मुझे ट्विटर पर, इंस्टा पर और साथ ही फेसबुक पर भी फॉलो जरूर करें, मैंने अपना हैंडल नीचे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रॉपर्टी हैक्स। प्लीज सब्सक्राइब टू मैजिक ब्रिक्स ऑन यूट्यूब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू वीडियोज़।